हेलो दोस्तों, ईडी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार भारत में 34 बकरियों की नस्ल रजिस्टर्ड की गई हैं, जिसमें से कुछ नस्ल के बारे में पार्ट वन गोट फार्मिंग इन इंडिया में आप जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बाकी बकरियों की नस्ल के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक बंगाल गोट की। यह एक बोनी और स्मॉल साइज बकरी है जो भारत के पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इसका रंग काला होता है। इसके अलावा यह सफ़ेद, स्लेटी और भूरे रंग में भी पाई जाती है। यह ज़्यादा बच्चे देने में सक्षम होती है। इसका मिल्क यील्ड पूरा होता है, तो यह हाई क्वालिटी मीट के लिए भी जानी जाती है। सेकेंड है चांगथांगी बकरी। यह एक छोटी सुपर बकरी है जिसका रंग ज़्यादातर सफ़ेद होता है, लेकिन ये काले स्लेटी और भूरे रंग की भी हो सकती है। इसे लद्दाख पश्मीना भी कहा जाता है क्योंकि यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ठंडे इलाकों में पाई जाती है। चांगथांगी बकरी और बकरे के सींग बड़े व मुड़े हुए होते हैं। यह बकरी घने मोटे सफ़ेद बाल होने के कारण अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वूल बनाने के लिए यूज़ में ली जाती है। इसके अलावा यह मीट पर्पज में भी यूज़ की जाती है। थर्ड है चेगू बकरी। यह बकरी भी पश्मीना ऊन और मांस के लिए भी पाली जाती है। चेगू बकरी मीडियम साइज्ड बकरी होती है जिसके सिंग बड़े और ऊपर की तरफ मुड़े और बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। यह जनरली सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन स्लेटी लाल रंग के साथ साथ मिक्स्ड कलर की भी चेगू बकरियाँ पाई जाती है। चेगू बकरी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब बात करते हैं गद्दी बकरी की। इस बकरी को वाइट हिमालयन गोट भी कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। यह एक मीडियम साइज बकरी है जो सामान्य सफ़ेद कोट रंग की होती है। इसके सींग बड़े और कान लंबे और लटके हुए होते हैं। कई सालों से चारवाहे गद्दी बकरियों को दूध और मांस के लिए पालते हैं। अब बात करते हैं गंदम बकरी की। यह एक लंबी और मीडियम साइज्ड गोट है जो कि सामान्यतः काले और भूरे रंग की होती है। यह जनरली मीट के लिए यूज की जाती है। यह उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। उड़ीसा के एक गांव के नाम से गंदम बकरी को दलुआ बकरी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गोहिलवादी बकरी की। यह बकरी गुजरात में पाई जाती है। यह एक मल्टीपर्पज बकरी है जो दूध, मांस और फाइबर प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है। यह बकरी काले रंग की होती है जिसके सींग थोड़े मुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है जाखराना बकरी। यह बकरी राजस्थान के अलवर ज़िले के जाखराना विलेज में पाई जाती है। यह दूध व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। यह बीटल बकरी की तरह ही होती है, लेकिन इसके कान पर सफ़ेद धब्बे होते हैं और यह गहरे काले रंग की होती है। यह बकरी 2 से 2.5 लीटर तक एक दिन में दूध दे सकती है। नेक्स्ट है जमुनापुरी बकरी। यह बकरी भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है। यह बकरी उत्तर प्रदेश में अधिकतर पाई जाती है। इसका रंग नॉर्मली सफ़ेद होता है, जिस पर कई बार काले रंग के धब्बे भी हो सकते हैं। इसकी रोमन नोज होती है जो तोते की तरह दिखाई देती है। यह आकार में बड़ी और बड़े पैर वाली आकर्षक बकरी है। इसके सींग छोटे और पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं और इसके कान बड़े और लटके हुए होते हैं। इसका अडर और थन बड़े होते हैं। इसका मिल्क प्रोडक्शन लगभग 280 से 320 लीटर पर लैक्टेशन तक हो जाता है। इसके दूध की फैट परसेंट भी अच्छी रहती है, लगभग 3 to 3.5% तक। अब बात करते हैं कनीडू बकरी की। यह तमिलनाडु में पाई जाने वाली बकरी है। इसका रंग काला होता है, जिस पर काले और सफ़ेद धब्बे होते हैं। यह बेसिकली मीट के लिए यूज की जाती है। यह एक साथ में 2 से 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कुची बकरी की। यह बकरी गुजरात में अधिकतर पाई जाती है। इसे काठियावाड़ी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मांस और दूध दोनों पर्पज के लिए यूज की जाती है। इसका रंग काले के साथ साथ सफ़ेद धब्बों वाला होता है और इसके कान लटके हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मालवाड़ी बकरी की। यह बकरी केरला राज्य में अधिकतर पाई जाती है। इसे टेलीचेरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है।
से सफ़ेद काले रंग की पाई जाती है। इसका वजन कम होता है और पैर और कान छोटे होते हैं। नेक्स्ट है मारवाड़ी बकरी। यह रेगिस्तानी बकरी है जो अधिकतर राजस्थान में पाई जाती है। यह बकरी ज़्यादा गर्मी सहन कर सकती है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। इसका रंग नॉर्मली काला होता है जिस पर कभी कभार भूरी और सफ़ेद मार्किंग भी हो सकती है। इसके बाल भी घने काले होते हैं। नेक्स्ट है मेहसाना बकरी। यह बकरी गुजरात में पाई जाती है जिसका चेहरा कन्वेक्स शेप का होता है। यह ज़्यादातर काले रंग की होती है। इसके बाल बड़े या जबरा होते हैं। इसके कान बड़े या सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं। यह एक डूल पर्पस बकरी है। नेक्स्ट बकरी है उस्मानाबादी। यह बकरी महाराष्ट्र में पाई जाने वाली बड़े आकार की बकरी है। इसका रंग काला होता है। कभी कभार इस पर भूरे और सफ़ेद निशान भी होते हैं। यह दूध और मांस दोनों के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट बकरी है संगमनरी। यह सफ़ेद काले भूरे मिक्सचर रंग की बकरी होती है जो डूल पर्पस में यूज की जाती है। यह अधिकतर महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है सिरोही बकरी। यह बकरी राजस्थान और गुजरात में अधिकतर पाई जाती है। यह नॉर्मली सफ़ेद और भूरे रंग की होती है जिस पर काले धब्बे होते हैं। इसकी पूंछ पतली और कान लंबे होते हैं। सूरती। यह अधिकतर गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। यह नॉर्मली सफ़ेद रंग की होती है। इसका अर्डर वेल डेवलप्ड होता है। इसके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं झालावादी बकरी के। यह मांस दूध और फाइबर के लिए काम में लाई जाती है। इसे तारा बकरी भी कहा जाता है। यह नॉर्मली काले रंग की होती है जिसके कान धब्बेदार होते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।